आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में जीपीओ, जो एक ऐतिहासिक इमारत है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदगी से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरों, उनकी पसंद नापसंद, उनके जीवन के तमाम प्रेरक प्रसंगों के साथ एक प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी की शुरुआत उनके बचपन से हुई है, जिसको कि कैसे बचपन बीता, किस तरीके से वो पाठशाला में जाते थे। एक घटना का भी जिक्र है, जब वो दोस्तों के साथ प्रधानमंत्री खेल रहे थे अपने बचपन में, तो उन्होंने कैसे एक मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लिया था। इसके साथ ही गांव में वो बिना भेदभाव के गरीबों की मदद करना, कैसे लोगों के लिए हर परिस्थिति में खड़े होना, ये तमाम तस्वीरों में वो नज़र आ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी से जुड़े के कर्म के प्रति कैसे समर्पण की भावना उनके अंदर जागृत हुई, वो कैसे अपने काम के प्रति लगन के साथ काम करने वाले बने, इसकी शुरुआत उनके बचपन से हुई। ईमानदारी का संस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उनकी माँ की वजह से आया। उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा कि मुझे नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री क्या करता है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम कभी रिश्वत नहीं लोगे, ये पाप कभी नहीं करोगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने उनसे कहा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने। जब उनको बताया कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो उनकी मां ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री क्या करता है, लेकिन जो काम करना बहुत ईमानदारी से करना। और वही सबक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी भर अपनाते चले आ रहे हैं। देशभक्ति की शक्ति, उनकी जो कहा देशभक्ति की जो भावना है, वो आर्मी की जवानों के साथ जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही हैं। किताबों के प्रति स्वामी विवेकानंद ने कैसे नरेंद्र मोदी के जीवन को प्रभावित किया, वो दिखाया गया है। और आज जिस नरेंद्र मोदी को देश दुनिया सलाम कर रही है, वो नरेंद्र मोदी कैसे जब नौजवान थे दिखाई पड़ते थे, इन तमाम तस्वीरों के साथ ये पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि कैसे इस देश को एक नई दिशा देने वाले नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सर्वमान्य नेता बन गए हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।